इस त्योहारी सीजन में महंगाई से परेशान लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। इस त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की थोक कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ती महंगाई और खाद्य तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बीच सोमवार को उद्योग संगठन सी ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खाद्य तेल की थोक कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती करने का फैसला लिया है। खाद्य तेल की कीमतों में और कमी नहीं आने के बीच उद्योग संगठन सी ने सोमवार को कहा कि उसके सदस्यों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इस त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की थोक कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की और कमी करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार के प्रयासों के चलते 31 अक्टूबर को ताड़ के तेल की औसत खुदरा कीमतों में पहले ही 21.59% की कमी आई है, जो 1 अक्टूबर को 169.06 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सोया तेल का औसत खुदरा मूल्य 155.65 रुपए प्रति किलोग्राम से मामूली रूप से घटकर 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। उपभोक्ताओं को और राहत देते हुए सी ने कहा है कि सी की तरफ से दिवाली उत्सव को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की कीमतों को 3,000 से 5,000 रुपए प्रति टन की कमी करने का फैसला किया गया है। खाद्य तेल की कीमतों में कमी करने के लिए हाल के दिनों में सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं, जिसमें अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आयात शुल्क में कमी भी शामिल है। शुल्क में कटौती के बाद सी ने कहा है कि 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच पामोलिन, रिफाइंड सोया और रिफाइंड सूरजमुखी की थोक कीमतों में 7 से 11% की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।